हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका एक बार जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टैटिकल में सांख्यिकी माध्य। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यदि हाँ दोस्तों, यदि आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, आप चलते हैं लघु विधि। देखिए, इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार बताया था, लेकिन इस बार आपको मैं किस विधि से बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड, यानी कि लघु विधि। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न प्रकार है, समांतर माध्य ज्ञात करो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, प्राप्तांक दिया है, प्राप्तांक इतना है, विद्यार्थियों की संख्या ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्राप्तांक। ठीक है, प्राप्तांक लिख के उसका हम समांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो अब बारंबारता भी दिया है, तो देखिए प्राप्तांक हम यहाँ पे लिख लेंगे और बारंबारता, फिर उसके बाद हम सब मतलब मध्यमान निकालेंगे, फिर भी चलना उसके बाद दिए। तो चलिए, बने रहिए, शुरू करते हैं। प्राप्तांक कितना आपका, 0 से लेकर 10। ठीक है, 0 से 10, फिर 10 से आपका हो गया 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से आपका कितना हो गया, थोड़ा दूर दूर लिखिए, 20 से आपका हो गया 30, 30 से आपका हो गया 40, 40 से आपका कितना हो गया 50। ठीक है, आप ये हो गया वर्ग अंतराल, यानी कि प्राप्तांक हमने राइट कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, बारंबारता। ठीक है, आपका हो गया 3, ये हो गया 3, फिर 13 आपका ये हो गया 18, फिर 12 आपका ये हो गया, फिर आपका ये सामने 18, ये फिर 12। अच्छा, ठीक है, इस प्रकार से है। सबसे पहले हम दोस्तों क्या निकालेंगे, मध्यमान। ठीक है, मध्यमान चलिए हम निकालते हैं। तो मध्यमान इसका क्या होगा, 0 से 10, यानी कि आपका ये कितना हो गया, 5। ठीक है, अब 10 से 20 है, इसका मध्यमान कितना हो जाएगा, 15। चाहे तो इसके 10 20 कितना हो गया, 30/2, ये कितना निकल गया आपका, 15। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये क्या हुआ, इसका 15 हो गया। ठीक है, मध्यमान 20 से कितना हो गया, इसका 25, 40 से आपका ये कितना हो गया, 35, 40 से कितना हो गया, 43 का आपका ये क्या हो गया, मध्यमान कितना निकल गया, 5, 15, 25, 35, 45। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी क्या है, बारंबारता में सर्वाधिक पद, बारंबारता में भी हमें देखना है कि सर्वाधिक पद, यानी कि वो ऐसा पद लेंगे, वह पद हम लेंगे जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, यानी कि सबसे ज्यादा हो। तो सर्वाधिक दोस्तों किसमें है, 18। देखिए 13 हो गया, ये भी कम है, 3, 13, 18, 12, 4। सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा कौन सा है, कौन सा पद ज्यादा है, 18 वाला। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके ठीक सामने वाला हम लेंगे, मतलब कि जो बारंबारता में जो पद ज्यादा रहेगा उसके ठीक सामने वाले को हम क्या लेंगे, मध्यमान। और इसी मध्यमान में से, ठीक है, इसी मध्यमान में से हम सबको घटाएंगे, यानी कि सब संख्या से इसको घटाएंगे। ठीक है, आपका यही क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य। आपका ये क्या हो जाएगा, कल्पित माध्य। तो चलिए हम घटाते हैं, मान लीजिए कि, ठीक है, अब उसमें से क्या करेंगे, सभी मध्यमान से हम 25, मतलब कि सभी मध्यमानों में से 25 को हम घटाएंगे। ठीक है, और यही आपका लास्ट में क्या रहेगा दोस्तों, कल्पित माध्य। ठीक है, तो 5 में से 25 जाएगा तो कितना होगा आपका, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस, देखिए 20 आपका ये क्या हो गया, विचलन आपका कितना आया, 20। ठीक है, आप क्या करेंगे, 15 में से 25 गया आपका कितना आ गया, माइनस 10।
कितना माइनस 10 आ गया। आप क्या करेंगे, 25 में से 25, क्योंकि मध्यमान में से हम कल्पित माध्य को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, किसमें कोई पूछ लिया कि किसमें आप घटा रहे हैं, तो मध्यमान में से सभी मध्यमानों में से कल्पित माध्य को घटा रहे हैं, मतलब कि घटाएंगे। और भी ये कल्पित माध्य कहाँ सा है, जिसकी बारंबारता में जिस पद का जो पद ज्यादा रहेगा सर्वाधिक रहेगा उसके ठीक सामने वाले को हम क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य। तो चलिए अब यहाँ क्या हो गया, फिर 25 में से 25 गया तो कितना हो गया दोस्तों, 0। ठीक है, अब फिर क्या निकालेंगे, ये भी मध्यमान है तो 35 में से 25 गया आपका कितना हुआ, 35 में से 25 गया आपका यहाँ पे 10। ठीक है, 35 में से 25 गया ना 10 प्लस 10 है कि नहीं, आपका प्लस 10। अब क्या हो जाएगा, फिर 45 में से 25 गया आपका कितना हुआ, ये मध्यमान में से हम कल्पित माध्य को घटा रहे हैं तो कितना हो गया आपका प्लस 20, कितना होगा दोस्तों प्लस 20 आपका ये कल्पित माध्य है। अब क्या करेंगे, जितने भी आएंगे जो विचलन है उसको हम क्या कर देंगे, ये है जो बारंबारता है पहले इसको हम योग कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए सिग्मा यह बराबर 8 4 8 2 10, 4 14, 14 3 17 3, 20 की 0 और हासिल बचा 2, 1 1 2। ठीक है, 1 1 2 3, 3 2 5, आपका ये क्या होगा, 12 मरता कितना आ गया 50। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे इसका, ये गुणनफल कितना है। अच्छा, अब गुणनफल में मानने की हम बारंबारता और विचलन से क्या करेंगे, पहले हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 20 3 1 60। ठीक है, -8 क्यों, क्योंकि ये माइनस में है तो फिर -8 आ गया। अब क्या करेंगे, फिर हम 13 से 10 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दहा में 130 -130। अब इसका 18 में 0 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 में 10, 12 से 10 में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दहा में 120, 120 क्या रहेगा प्लस 120, क्या रहेगा 120 प्लस 120। अब क्या करेंगे, क्योंकि प्लस, अब क्या करेंगे, 4 से फिर 20 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 80, आपका ये कितना हो गया 80 प्लस 80। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा या सिग्मा बराबर आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ गुड़े आपके क्या हो जाएगा विचलन। ठीक, अब इसके बराबर कितना हो जाएगा, 130 और 60 कितना हो जाएगा 190, कितना 190, क्या 190 -190। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 120 और 80 आपका ये कितना हो गया +200 +200। अब क्या करेंगे, इसको जब हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा +10, क्यों क्यों +10 हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया +10, आपका ये निकल के लाया। ठीक है, अब देखिए सिग्मा एफ आपका ये क्या है, बारंबारता ये है। अब आपका ये क्या है, कल्पित माध्य, आपको इसको जानते रहेंगे तो यहाँ पे सूत्र क्या है, बारंबारता बराबर यहाँ समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ विचलन, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आपका विचलन, अब इसके बटे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, अब देखिए
समांतर माध्य वहां पर। अब जहां पे कल्पित माध्य आपका क्या है, 25, क्या है आपका यहाँ पे कल्पित, जहां कल्पित माध्य आपका हो गया 25। अब प्लस सिग्मा एफ विचलन, अब क्या है प्लस 10, तो प्लस आपका यहाँ क्या हो गया 10। अब इसके बटे क्या है, जहां पे सिग्मा एफ क्या है 50, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, 10 11 10 आपका हो गया, ठीक है, एक बार ये चला गया, फिर 10 बचे 50। अब हम 5 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है, आप वैसे भी समझदार कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, 0.2 में जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25.2 आपका ये हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैंने ये, तो चलिए दोस्तों इसके गुण और दोष हम बताएंगे, ठीक है। समांतर माध्य के गुण, सबसे पहले हम गुण की बात करते हैं, ठीक है, गुणों की बात करते हैं इसके। पहला, इसकी गणना बड़ी सरल और निश्चित है। क्या है, बड़ी सरल और निश्चित होती है। दूसरा, यह एक साधारण व्यक्ति की समझ में आसानी से आ जाता है, ठीक है, ये कोई साधारण व्यक्ति है दोस्तों, उसके उसको अच्छे तरीके से आ जाता है समझ में। तीसरा, इसके प्राप्त करने के प्रत्येक पल उसके परिणाम तथा भार, परिणाम तथा भार के अनुपात में प्रयोग होता है, ठीक है। चौथा, इसका बीजी प्रतिपादन संभव है, इसका जो बीजी प्रतिपादन क्या है वो संभव है। पांचवा, इसे निर्णय करने में आंकड़ों की व्यवस्था करने अथवा उनके क्रमबद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत पदों के छठा, कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत पदों के मानों के बिना यह निकाला जा सकता है, मतलब कि कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत पदों के यानी कि खुद का जो उसका पद होता है मानों के बिना भी यह निकाला जा सकता है। सातवां, समांतर माध्यम माध्य से विचलनों का बीजीय योग शून्य होता है, ठीक है, जो उसका बीजीय योग क्या होता है वो 0 होता है। आठवां, यदि समांतर माध्य को पदों की संख्या से गुणा किया जाता है, समांतर माध्य यदि हो गया तो अब क्या कह रहे हैं, पदों की संख्या से गुणा जा सकता है, किया जाए तो पदों का योग प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जो किसी और माध्य के लिए संभव नहीं है। नौवां, और नौवें पॉइंट पे आ गए, यह प्रतिदर्शों के घटबढ़ यानी फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल्स, ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल्स, फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल्स से बहुत कम प्रभावित होता है, यानी इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका गुण, ये क्या है, क्वालिटीज ऑफ स्टैटिकल मीन, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब इसके दोस्त, समांतर माध्य के दोस्त, इसका मान पहले वाले में बोलेंगे, इसका मान केवल निरीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। दूसरा, यदि किसी एक भी पद का मान दिया हो तो यह नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। लास्ट पॉइंट नंबर, यदि बारंबारता वक्र दिया हो, वक्र यानी कि आप तो जानते हैं, ठीक है, वक्र दिया हो तो उस पर इसका स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैं उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो थैंक यू दोस्तों।